हेलो गाइस, आज के दिन 17 जून को सतगुरु ने अपने करोड़ों मरीदों की तड़प पूरी की थी। मिशन पर जाने के बाद सतगुरु के दर्शनों के लिए हर डेरा प्रेमी तड़प में था कि ना जाने हमारे सतगुरु हमें कब दर्शन देंगे। और पूरी दुनिया के ताने अलग सुने थे, बहुत कुछ सुना था, और जो कई कहते थे कि अब भूल जाओ, अब तुम्हारा राम रहीम नहीं आता। और कईयों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ का मजाक बनाया था कि अब राम रहीम पहले जैसे नहीं रहे। मीडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा बकवास की थी, लेकिन हमारे सतगुरु के सच्चे प्रेमी जितने भी थे, दृढ़ विश्वास वाले, उन्होंने किसी की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपने सतगुरु के इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे। और आकर 17 जून 5 साल बाद सतगुरु ने आकर सबको मुँह तोड़ जवाब दिया और सारी साध संगत को अपने दर्शन दिए। क्योंकि हमारे सतगुरु ने वचन किए थे कि अब की बार शबरी की तरह आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, उतना वेट हम आपको कभी भी नहीं करवाएंगे। सतगुरु ने मिशन पर जाने से पहले ही स्टेज पर यह सारा कुछ फरमा दिया था। तो और पिताजी आए और सभी प्रेमियों को दर्शन दिए और सभी प्रेमी की आंखों में आंसू थे अपने सतगुरु के दर्शन करके, और खुशी से सारे रो रहे थे। और सतगुरु ने आके सबको दर्शन दिए आज के दिन 17 जून को, और हर एक प्रेमी के यही प्यास थी कि हमारे सतगुरु आकर दर्शन दे। और कभी किसी ने भी किसी की परवाह नहीं की कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, और सभी ने पिताजी के जी भर कर दर्शन किए और सतगुरु ने भी सबको अपना दीदार खूब करवाया। और हर डेरा प्रेमी की यही प्यास थी उनको उनका सतगुरु दर्शन दे और सतगुरु ना के सबकी प्यास बुझाई थी। और हमारे सतगुरु ने पिताजी ने चिट्ठियों में भी कई बार वचन किए थे और उन वचन को भी पूरा निभा रहे हैं। समुद्रों का समुद्र हर बार बख्श रहे हैं, सभी को बरकतें मिल रही हैं। तो ये ऐसी प्यास है कि जितनी बार सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही रहेगी। तो अब की बार पहले की तरह फिर अभी सतगुरु का इंतजार है कि जल्दी जल्दी पिता जा के सबको दर्शन दे, और टाइम अब फिर आने वाला है। तो सभी सेवा सिमरन करते रहो, हमारा सतगुरु कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेगा। तो वचन ही सतगुरु ने ऐसे किए हैं कि आपको इतनी रहमतें मिलेंगी, इतने समुद्र के समुद्र मिलेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते। तो सभी दृढ़ विश्वास के साथ वेदिक साथ जुड़े रहो, सिमरन करते रहो और अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास बनाकर रखो। तो थैंक यू सो मच। ये था आज का स्पेशल। 17 जून को पिता ने जब दर्शन दिए थे, आज 1 ईयर हो गया इस बात को, तो सबको ये भूलने वाला दिन है ही नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना। तो थैंक यू सो मच।